राजस्थान में सत्ता में आने का दावा कर रहे प्रदेश भाजपा के नेताओं को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मैराथन बैठकों में उन्हें आईना दिखा गई। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेने आए शाह और नड्डा ने सर्वे रिपोर्ट के जरिए इन दावों की हवा निकाल दी। बकायदा विधानसभा बार हकीकत को सामने रखकर नेताओं से सवाल किया कि राजस्थान में भाजपा कैसे सरकार बना रही है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने पार्टी में चल रही गुटबाजी और परिवर्तन यात्राओं में कम भीड़ जुटने पर गहरी नाराजगी जताई। दरअसल दोनों नेता बुधवार शाम जयपुर पहुंचे थे। इसके बाद शुरू हुआ बैठकों का सिलसिला देर रात तक जारी रहा और गुरुवार सुबह भी 1-to-1 मुलाकात का दौर जारी रहा। बताया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व सख्ती के मूड में है और प्रदेश भाजपा के नेताओं को स्पष्ट संकेत दे गया कि चुनाव सिर पर है और संगठन ही सबसे ऊपर है। ऐसे में सभी को मिलकर आपसी समन्वय और एकजुटता से काम करना होगा। शाह नड्डा का ये संदेश पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी था। चार दिशाओं में निकली भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राओं ने प्रदेश में 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन उद्घाटन को छोड़कर राजे ने इस यात्रा से दूरी बनाकर रखी, जिसका जनता में गलत मैसेज गया और भाजपा की गुटबाजी फिर सामने आ गई। हालात ये हो गए कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया और परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उनका भाषण नहीं होने से इन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिल गया। सूत्रों की माने तो शाह और नड्डा ने वसुंधरा राजे से अलग से मुलाकात की, जिसमें टिकट वितरण समेत चुनाव में उनकी भूमिका पर चर्चा की गई। कि जब कभी भी चुनाव होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो विचार विमर्श करने आता है। एक सामान्य कामकाज का एक तौर तरीका है। पिछले दिनों हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरी हुई, उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे केंद्र नेतृत्व को रहे, ये हमारा राज्य नेतृत्व तो चाहता था। उसी नाते एक बैठक हुई, आगे का रोडमैप बना और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर रणकौशल में जब उतरते हैं तो सेनापति जब आते हैं तो उत्साह। क्या दावा है इस बार चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। मैसेज मजबूती से लड़ने का और जीतने का दिया है और उसके लिए पूरा केंद्र पार्टी के साथ राजस्थान में खड़ा है। लिस्ट कब तक जारी होगी और क्या सांसदों को इस बार चुनाव में? लिस्ट तो अब दिल्ली से ही तय होगा, वो कब जारी करेंगे। रणनीति सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। मोदी जी का नाम और काम है, पार्टी का अपना संगठन का काम है, इतनी बड़ी ताकत है। मोदी जी तो ऑब्वियसली ये चीजें तो सीधी थी हैं, कमल का फूल, पार्टी का चेहरा, मोदी जी का नाम और काम, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी भाजपा टिकटों की पहली सूची कांग्रेस से पहले जारी करने के मूड में है। बैठक में संभावित नामों पर भी चर्चा की गई। शाह की सर्वे रिपोर्ट में कई विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी बड़ी संख्या में विधायकों का टिकट काटेगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भाजपा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी रण में उतारेगी। इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित 6 से ज्यादा सांसदों के नाम चर्चा में है। ऐसे में संभावना है कि डी और ए कैटेगरी की सीट पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता एक पखवाड़े के भीतर लग जाएगी। ऐसे में भाजपा के प्रचार की रणनीति क्या होगी और किस तरह वोट को भाजपा के पक्ष में कन्वर्ट किया जाएगा, इसे लेकर भी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की गई। भाजपा का अब तक का प्रचार अभियान स्थानीय नेताओं के बजाय केंद्रीय आलाकमान के पास ही रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव शाह, नड्डा और मोदी के भरोसे ही होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी राजस्थान में दौरे होंगे। अब देखना ये होगा कि शाह, नड्डा की नसीहत प्रदेश भाजपा के नेताओं को कितना समझ आती है
और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि राजस्थान के चुनावी रण में भाजपा की पहली सूची कब जारी होती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।